दोस्तों आज के इस वेबिनार हमारे पास है यहाँ पर ये वाला माइक जो कि योबोन का था। दोस्तों ये है कॉलर माइक, इसकी सहायता से मैं आप लोगों के लिए अभी तक वीडियो बनाता आ रहा था। लेकिन दोस्तों अभी के टाइम में ये वाला माइक जो है खराब हो गया, चूहों ने इसका वायर काट दिया था, जिसकी वजह से इसके अंदर अनवांटेड आवाज आने लगी और यार काफी ज्यादा ये खराब हो गया, जिसकी सहायता से इसकी आवाज काफी ज्यादा खराब हो गया था। तो इसीलिए दोस्तों अब मुझे इस माइक की आवश्यकता नहीं है, मुझे चाहिए एक अच्छा सा माइक आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। तो इसीलिए मैंने यूट्यूब पर सर्च किया और काफी सारे जगह पर सर्च किया कि कौन सा माइक लिया जाए, वायरलेस माइक इस बार सोच रहा हूँ कि ले लिया जाए। तो दोस्तों मैंने काफी सारे सर्च किया लेकिन दोस्तों काफी ज्यादा महंगे महंगे माइक मुझे मिले। जैसे गाइस DJI का जो माइक है वो वाला गाइस 30,000 रुपए का स्टार्ट होता है, 30,000 से 32,000 35,000 जैसे आप लोग उस हिसाब से आपको मिलेगा। और इसी के साथ दोस्तों मैंने रोड का भी सर्च किया तो रोड का माइक भी 8,500 से लेकर 10,000 का आपको मिलता है। और उसी के साथ एक जजोनी का है वो भी दोस्तों आपको 3,000 रुपए का मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों मेरा बजट नहीं है कि मैं इतना महंगा वायरलेस वाला माइक लूं, तो इसीलिए दोस्तों मैं कोई सस्ता सा वायरलेस माइक ढूंढ रहा था। तब जाकर मुझे दोस्तों इस वाले माइक के बारे में पता चला के एट के बारे में। इसका आवाज दोस्तों काफी अच्छा आता है और इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं ये वाली चीजें हम देखने वाले हैं इसके अंदर। तो इसका अनबॉक्सिंग करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि इसके अंदर जो 350 रुपए लगे हुए हैं, 326 रुपए, तो क्या उसके अंदर ये वाला माइक ठीक है या फिर नहीं ठीक है, इसका आवाज कैसे है, कोई फालतू आवाज तो नहीं क्रिएट कर रहा है, बाहर से नॉइस रिड्यूस कर पा रहा है या फिर नहीं कर पा रहा है, इसके अंदर क्या क्या फीचर्स दिए हुए हैं ये भी चीजें देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है, तो इसलिए वीडियो को लाजमी पूरा देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उससे पहले आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी इस तरह की वीडियो बनाए तो आप तक इसको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के, वैसे और भी शॉट ऑन दिस। It's all about humanity. तो दोस्तों ये है वो माइक और यहाँ पर मैंने इसको बुक किया था शॉपसी से, जो कि मुझे 326 रुपये का ये वाला माइक पड़ा है, यानी कि मिला है। और चलिए इसका अनबॉक्स करते हैं और दिखाते हैं इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, इसको खोलने के बाद क्या क्या मिलता है। तो इसको खोल लेंगे और इस तरह से, तो ये है इसका जो है गत्ता जिसके अंदर ये पैक हुआ है। तो इसका पैकिंग भी काफ़ी अच्छा और काफ़ी मजबूत किया गया है। तो इसके अंदर यहाँ पर आप देख लेते हैं ये वाईफाई पे भी काम करता है, ब्लूटूथ पे भी काम करता है इस तरह से। और आप इसके लिए ब्लॉग भी शॉर्ट बना सकते हो, यहाँ पर आप देख लेते हैं यहाँ पर ये है ब्लॉग और शॉर्ट वीडियो भी बना सकते हो इसके साथ से, या फिर आप इंटरव्यू कर सकते हो या फिर लाइव शो भी कर सकते हो। तो इसके साथ से ये सारी चीज़ें कर सकते हो इस वाले माइक के अंदर। और यहाँ पर वही चीज़ें दिया हुआ है जो कि लिखा हुआ था इसके अंदर दिया हुआ है। इसका गाइस जो रेंज है यह है 200 मीटर रेंज इसका, सॉरी गाइस। तो दोस्तों इसके अंदर जो रेंज दिया हुआ है यह 20 मीटर की दूरी पर आप इसके माइक लगाकर वायरलेसली आप कंट्रोल कर सकते हो, इसकी आवाज़ को रिकॉर्ड कर सकते हो। इसका जो प्रेसिस रेडियो है यह भी काफ़ी अच्छा है और इसका जो प्लग एंड पिले है यह भी काफ़ी अच्छा तरीके से दिया है। इलेट टिम्बर हुआ है, हाईली सेंसिटिव है, यह काफ़ी अच्छे तरीके से आवाज़ को क्रिएट होता है और वेडली कम्फर्टेबल भी है। तो इस तरह से इसके अंदर फीचर्स दिया हुआ है। तो इसको हम खोलते हैं और देखते हैं इसके अंदर कुछ इस तरह से इसका लुक लग रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको हमें निकाल लेना है। तो दोस्तों ये वाला है, इसके अंदर एक बैटरी लगा हुआ है छोटा सा और इसको चार्ज करते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 4 घंटा आराम से आप इसके साथ से रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो जब आप इसको अनबॉक्स करोगे तो पहली बार ये फुल चार्ज होता है, तो आप 3 से 4 वीडियो आसानी से बना सकते हो एक बार चार्ज करने के बाद, यानी रहता है इसके अंदर इतना चार्जिंग। और यह है ये वाला, इसके अंदर पोर्ट दिया हुआ है। तो ये वाला गाइस आपको जिस तरह से यहाँ पर बताया गया है इसको आप मोबाइल के अंदर लगा दीजिए, और OTG अगर है गाइस आपके मोबाइल में तो OTG ऑन कर दीजिए और जैसे पोर्ट कर दीजिएगा तुरंत OTG से कनेक्ट होकर आपका काम करेगा अच्छे तरीके से। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास एडवांस मोबाइल फ़ोन है, जैसे गाइस आपके पास कोई बड़ी मोबाइल फ़ोन है, तो उसके अंदर अब जो नया मोबाइल फ़ोन आता है उसके अंदर OTG का सिस्टम नहीं है। डायरेक्टली गाइस जैसे ही लगाओगे तो इसे ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा और ये वाला बटन दबाते ही तुरंत ये कनेक्ट हो जाएगा और इसके अंदर ग्रीन बत्ती जल जाएगा यहाँ पर। तो चलिए फटाफट से हम इसको कनेक्ट करते हैं और फिर दिखाते हैं आप लोगों को कि इस तरह से ये काम करता है। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर इसको हमें सिंपली मोबाइल के अंदर लगाना है। तो अब मुझे कोई तो अब मेरे पास एक और मोबाइल फ़ोन नहीं है, तो इसलिए मैं जिस मोबाइल फ़ोन से वीडियो बना रहा हूँ उसी में सिंपली इसको लगा देंगे और इसको मैं सीधा अपने कॉलर पर लगाता हूँ और फिर आपको दिखाते हैं इसके आवाज़ और अभी के टाइम में जो मोबाइल से आवाज़ बन रही है इसको देखना। तो इसके दोनों को कंपेरिजन करना और कौन सा अच्छा ये भी बताना आप लोग कमेंट करके। तो सिंपली हम इसको लगा देंगे यहाँ पर, कुछ इस तरह से दोस्तों इसके अंदर हमने लगा दिया है। अब दोस्तों जैसे ही मैं इसको ऑन करूंगा ऑटोमेटिक ये कनेक्ट हो जाएगा हमारे वीडियो से, आप देखना। तो दोस्तों ये ऑन हो चुका है और ये कनेक्ट भी हो चुका है हमारे मोबाइल से। अब इसका आवाज़ जो है इसकी सहायता से रिकॉर्ड हो रही है, तो आप लोग बताइए इसका आवाज़ कैसा है।
अब मैं आपको इसको कलर पर लगाता हूँ और देखना फिर आप लोग। तो दोस्तों इसके अंदर जो फीचर्स है ये काफी कमाल के हैं। इसके अंदर इसका जो बैटरी बैकअप है ये 4 घंटे है। एक बार आप इसको चार्ज करोगे तो 4 घंटे लगातार आप इसकी साथ से वीडियोस को बना सकते हो और काफी अच्छे तरीके से इसका आवाज आता है। लेकिन इसका आवाज थोड़ा सा स्लो होगा, इसकी यार ये इतना सस्ता है 350 रुपये का तकरीबन मिल जाता है, तो उतना क्वालिटी नहीं मिल पाएगी जिस तरह से DJI वाले में मिलता है या फिर और महंगे वाले में मिलता है। सस्ता है तो उस हिसाब से इसके लिए बेस्ट है ये। तो दोस्तों ये जो माइक है ये कनेक्ट हो चुका है, आप देख रहे हैं इसके अंदर ग्रीन बत्ती जल रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा कि इसको सिंपली यहाँ पर लगाऊंगा और आवाज इसी के साथ से रिकॉर्ड हो रहा है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो इसका आवाज कैसा आप लोग बताइए मुझे कमेंट करके। तो यहाँ पर मैं इसको लगा देता हूँ सिंपली, यहाँ पर इसको क्लिप इसके अंदर जो लगा हुआ है सिंपली। तो दोस्तों मैंने इसको कुछ इस तरह से अपने कॉलर में लगा दिया है। अब आप लोग चाहे किसी भी तरह से ब्लॉगिंग करना हो या फिर इस तरह जिस तरह मैं वीडियो बना रहा हूँ इस तरह से वीडियो बनाना हो तब भी गाइज आपके लिए बेस्ट रहेगा। लेकिन इसका आवाज कैसे आ रहा है मुझे पता नहीं चल रहा है, बाद में पता चलेगा तब गाइज। तो दोस्तों अभी अनबॉक्सिंग से पहले गाइज जब मैं मोबाइल से वीडियो बना रहा था तो उसका आवाज अच्छा था या फिर गाइज इस वाला माइक जो मैंने लगाया है इसका आवाज अच्छा है आप लोग बताइए मुझे कमेंट करके। तो दोस्तों ये वाला माइक काफी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। एक बार चार्जिंग करने के बाद 4 घंटे बैटरी बैकअप है और 20 मीटर तक आप इसके रेंज को आप दूरी चले जाओगे 20 मीटर तब भी गाइस कोई दिक्कत नहीं है। 20 मीटर की दूरी पर मोबाइल रखने के बाद भी आप इसके साथ से वीडियोस बना सकते हो और आवाज भी इसको इसी तरह से आएगी, काफी अच्छे तरीके से काम करता है। इसी के साथ दोस्तों इसके अंदर बाहर अगर खटपट की आवाज आ रही है तो उसको भी नॉइस रिड्यूसर इसके अंदर है जो आवाज को रिड्यूस कर देगा, यानी बाहर की आवाज को रिड्यूस कर देगा और आपकी आवाज काफी अच्छे तरीके से आएगी। क्योंकि दोस्तों इसके अंदर जो पैसे लगे हुए हैं 350 रुपये या फिर 326 रुपये का, उस हिसाब से ये बेस्ट माइक है। अब इससे अच्छा माइक आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। अगर आप लोग बोया का भी लोगे तब भी गाइज आपको 750 रुपये का मिलेगा जो कि वायर वाला माइक होता है। तो इस तरह से दोस्तों ये माइक काफी बेस्ट है यूट्यूब वीडियोज के लिए इतना सस्ते में। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग बताइए मुझे कमेंट करके, और आप लोग इसको ले रहे हो या फिर नहीं ये भी बताइए मुझे कमेंट करके। क्योंकि हो सकता है आप लोग ब्लॉगर हो या फिर यूट्यूबर हो या फिर किसी भी तरह के सोशल मीडिया के लिए वीडियोस बना रहे हो या फिर वैसे भी गाइज आप लोग किसी काम के लिए इसका यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो। देन आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, हम मिलते हैं इसी तरह किसी नए वीडियो में नई तक के लिए। जय जय।